थे कि हमने देखा था पहले सबसे फर्स्ट लेक्चर में देखा था काइनेमेटिक्स, डायनेमेटिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मैकेनिक्स क्या है? फिजिक्स का एक ब्रांच है दैट डील्स विद मोशन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था काइनेमेटिक्स क्या है, जहाँ पर हम मोशन को स्टडी करेंगे बट वी विल नॉट स्टडी द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। डायनेमिक्स एक ऐसा ब्रांच है जिसमें मोशन को भी स्टडी करना है बट साथ साथ उसके जो फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल मतलब जो एफर्ट है मोशन को लगाने के लिए फोर्सेस, उनको भी स्टडी करना है। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या होगा, एफर्ट्स लगेंगे बट मोशन नहीं होगा, डिफॉर्मेशन होंगे बॉडी के अंदर, डिफॉर्मेशन का स्टडी करना है कि कितने फोर्स पे आके चीजें टूटने लगेंगे, ये सब स्टडी करते हैं। तो इसमें ये हमारा चैप्टर है लास्ट में बहुत जा करके पढ़ने का। अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स, फिर न्यूटन्स लॉज और वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशनल मोशन, फ्लूड मोशन, तो वो सारा का सारा डायनेमिक्स का पार्ट होगा। जहाँ पे फोर्सेस का फोर्सेस आने लगेंगे ना, फोर्सेस के टर्म, तो वो सारे के सारे डायनेमिक्स के अंदर जाएंगे। इसके बाद हमने देखा था मोशन क्या होता है, मोशन रेस्ट और मोशन जो है रिलेटिव है। मोशन ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होगा कि मोशन हो रहा है या नहीं, ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा। ऑब्जर्वर बोल रहा है कि यस मोशन में है चीजें तो मोशन में है, कब बोलेगा, बट जब उसका पोजीशन, पोजीशन एक टर्म आया था, पोजीशन अगर ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू चेंज हो टाइम के साथ तो बोलेगा यस इट इज इन मोशन, नहीं हो रहा है चेंज तो वो बोलेगा कि नहीं है मोशन। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखा था दो टर्म हमने। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या देखा था, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड और शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू गिवन पॉइंट, स्केलर है, वेक्टर है, ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन था कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा, मिनिमम कितना हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो सकता है, वो भी कब, जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो और यू टर्न भी ना हो, सीधा का सीधा जाए, जैसे बोले बस सीधा जाना है 2 किलोमीटर, तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, क्वेश्चन देकर छोड़ा था, बताइए इसका आंसर क्या होगा, किसी का आंसर आया? 2 आर आया, 2 आर आया। डिस्प्लेसमेंट पूछा था, डिस्टेंस नहीं पूछा था। डिस्टेंस तो निकाल भी नहीं सकते हो, मतलब निकाल सकते हो, आपको अभी इस स्टेज पे नहीं निकाल पाओगे। 2 आर ही है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 2 आर, एक का आंसर आया 2 आर, किसी और का आया 3 आर आया, 3 आर, और किसी का आया? क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि एक पॉइंट दिया हुआ पी, इस रिम को जो है रिवॉल्व कराना, रिवॉल्व कराना मतलब ऐसे रिवॉल्व कराना है, आगे भी जाएगा रिवॉल्व भी करेगा, रिम को रिवॉल्व कराना, स्लिपिंग नहीं होनी है, क्योंकि सीधा आगे अगर ऐसे लेके जाओगे ना, सीधा सोचे कि इसको आगे लेके जाओगे, फिर तो पी पॉइंट स्लिप करेगा ना, स्लिपिंग नहीं होनी है। सर मेरा आंसर आया सर, हाँ बोलो, आप पहले ईयरफोन यूज करो। सर मेरा आंसर आया, इको हो रहा है, सर मेरा आंसर आया आर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4, पाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है एक आंसर ये, किसी और का कोई आंसर आया? बोलिए, अरे बहुत सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट का ही क्वेश्चन है, आप लोगों को भी तो दिया था बाकी लोगों को करने के लिए। सर 2 आर ही आया, 2 आर ही आया, 2 आर तो नहीं है जी, और कोई आरव? सर मेरा भी 2 आर नहीं आ रहा था। निधि, रितेश, निधि कोई आंसर नहीं आया? 2 आर आया सर, सिर्फ 2 आर ही आया है, 2 आर ही आया। जो क्या होगा, होना क्या था, जैसे हाफ रेवोल्यूशन कब होगा, रेवोल्यूशन इस तरीके से होना है कि जैसे आप इसको घुमाना शुरू करो, इसको ऐसे घुमाना है, व्हील है ना ये, व्हील तो से रोटेट होकर के जाएगा आगे। मैंने आपको कल एक उससे दिखाया भी था, अभी तो मेरे पास वो बोतल नहीं है, ठीक है, बट कल मैंने दिखाया था कि किस तरीके का मोशन होगा आपका। मोशन जब होना शुरू होगा ना, बेसिकली जैसे अब इसको घुमाना शुरू करोगे तो ये वाला पॉइंट क्या करेगा, ये वाला ग्राउंड पे आने की कोशिश करेगा, फिर ये वाला ग्राउंड पे आएगा, फिर ये वाला पॉइंट ग्राउंड पे आएगा, ऐसे यहाँ पे कभी जा करके ये वाला ग्राउंड पे यहाँ पे जाके आएगा, ऐसे चलेंगे ना ये पॉइंट,
थोड़ी देर बाद सिचुएशन इस तरीके की होगी, अगर नेक्स्ट नेक्स्ट पिक्चर में ड्रॉ करूंगा तो आई से कि इस तरीके का सर्कल होगा आगे चलाएगा, गया ना, यही होगा स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग जो है ऐसा जाना है इसको। तो थोड़ी देर बाद ये जो पॉइंट था, तो सपोज ये पॉइंट, इस पॉइंट को बोल दो ये पॉइंट एल था, ये पॉइंट एल था, तो एल ग्राउंड पे आ जाएगा यहाँ पे। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये एम पी एल एम एन कुछ भी जो भी आगे वाले पॉइंट है ये ग्राउंड पे आ जाएंगे। मोशन समझ आया? पी कैसे है, पी यहाँ पे चला जाएगा, पी थोड़ी देर बाद है, ये यहाँ से उठा तो ये यहाँ कहीं चला जाएगा, थोड़ी देर बाद यहाँ होगा। तो पी का एक्चुअल मोशन तो देखोगे तो पी तो ऐसे जाएगा, अगर पी पे आप कोई कलर कलर कोडिंग कर दो ना और फिर उसका एक्चुअल पाथ देखने की कोशिश करोगे तो ऐसा जाएगा यहाँ से यहाँ। थोड़ी देर बाद पी का सिनेरियो देखोगे, इसको थोड़ा और आगे लेके जाओगे, और आगे लेके जाओगे, अगला पॉइंट जब कॉन्टेक्ट में आएगा, अगला पॉइंट जब कॉन्टेक्ट में आएगा तब तक पी यहाँ पहुंच चुका होगा ऐसा। पी का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना तो अभी तो बहुत पॉसिबल नहीं है आपके लिए, ये एग्जैक्ट डिस्टेंस निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो बट तो भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन दी होनी चाहिए। तो जब पी जो है हाफ रेवोल्यूशन हो जाएगा, हाफ रेवोल्यूशन का क्या मतलब है, हाफ रेवोल्यूशन का मतलब है कि ये जो लेंथ है, ये जो पोर्शन है, ये देखना अभी मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो पोर्शन होगा ये पूरा का पूरा ग्राउंड पे ट्रेवल कर चुका होगा उस टाइम, मतलब अनफोल्ड हो चुका होगा। मैंने जैसे इसको अनफोल्ड करके रखूं, मैं इधर ऐसे अनफोल्ड करके रखूं, तो इतना लेंथ तो ट्रेवल ग्राउंड पे अनफोल्ड हो चुका होगा। बेसिकली अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ ना, आपको इसको दिखा भी मोशन कैसा होगा, रोलिंग विदाउट स्लिप, मुझे इसका इस इमेज चाहिए। बेसिकली ये हो रहा, देखो इसमें दिखेगा आपको, ये दिख रहा है, ये देखो पी पॉइंट के साथ क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट हाईलाइटेड है उसके साथ देखो क्या हो रहा है, ये यही पी के साथ उस टाइम पे जो हो रहा होगा, और किसी इमेज में भी देख सकते हो, और किसी और इमेज में भी देख सकते हो, ये वाला ये सिचुएशन देखो, ये वाले पिंक वाले पर इसको देखो डायग्राम, तो पी के साथ ये हो रहा होगा। हाफ रेवोल्यूशन कब हो जाएगा, ये तो कंप्लीट रेवोल्यूशन दिखा रहा है ना, देखो पी पी चल के गया और वापस नीचे आ गया, ये तो कंप्लीट रेवोल्यूशन है। हाफ रेवोल्यूशन में क्या होगा, अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या मैं ऐसे स्क्रीन से बातें कर रहा हूँ? आ रहा है सर, समझ सिंपल है। हाफ रेवोल्यूशन में क्या पिक्चर होगा, हाफ रेवोल्यूशन में वो ऊपर तक जाएगा पॉइंट पी, कंप्लीट रेवोल्यूशन देखो, ये कंप्लीट रेवोल्यूशन दिखा रहा है इसके अंदर, देखो ये पॉइंट चला और वापस ग्राउंड पे आ गया, वो जो रेड बार देखो, रेड जो बार है ना इसके अंदर, रोड जो है वो वापस गई और वापस रोड पे टच, ग्राउंड पे टच कर गई, ऐसा एक पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको दो दो स्टेट लेने, एक इनिशियल और एक जब हाफ रेवोल्यूशन हो जाए, तो हाफ रेवोल्यूशन ये वाला स्टेट होगा, दिखाता हूं, जब वो यहां पर होगा, जब वो यहां कहीं होगा, जब वो यहां कहीं होगा और ये रोड जो अभी तो यहां है, यहां पर पहुंच जाएगी, ये पी पॉइंट यहां है और इनिशियल कहां था, पी पॉइंट यहां से शुरू किया था और ग्राउंड पर। अब समझ आया, ये हाफ रेवोल्यूशन है और ये फुल रेवोल्यूशन अभी होने वाला है, यहाँ पे पहुंच जाएगा तो फुल रेवोल्यूशन हो जाएगा। ये समझ आया या नहीं आया? ये सर आ गया, आ गया।
तो यही सिचुएशन वहां पे होना था उस केस में भी। अब देखो मैं क्या करता हूं, इस सिचुएशन में देखो, तो अगर जब ये फुल रेवोल्यूशन हाफ रेवोल्यूशन होने वाला होगा, तो हाफ रेवोल्यूशन के बाद एक डायग्राम बना देता हूं कि P पॉइंट जो यहां पे था इनिशियली, तो P पॉइंट यहां कहीं पहुंच जाएगा। बेसिकली ये जो आर्म है ना, ये जो आर्म है P पॉइंट का, ये यहां कहीं पहुंच जाएगा ऊपर, यही होगा P, यहां आ जाएगा। तो थोड़ा और आगे कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं, तो यहां कहीं दिखा, जब ये हाफ रेवोल्यूशन होता है। और ये जो जो मैंने हाईलाइटेड किया हुआ ना, ये वाला पोर्शन, ये देख लो, ये वाला पोर्शन, ये वाला लेंथ जो है जो हाईलाइटेड है अभी, ये वाला लेंथ तो यहाँ तक अनफोल्ड हो चुका होगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा ये, क्योंकि यही लेंथ तो अनफोल्ड हुआ है ग्राउंड पे, ये वाला लेंथ स्लिप तो किया नहीं है। समझ आया कि नहीं आया, आप मुझे ये बता दो एक बार। अगर ये डिस्टेंस, ये बता दो आप मुझे, ये डिस्टेंस को मैं पाई आर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? ये डिस्टेंस को, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को, ये हाफ ऑफ पेरिमीटर होगा कि नहीं होगा? होगा सर, क्योंकि ये यही वाला डिस्टेंस अनफोल्ड हो रहा है पूरा का पूरा, जो इधर से जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो इतना ही लेंथ है। ये जो लेंथ देखो, दोनों हाईलाइटेड पोर्शन देख लो, ये दोनों सेम होंगे। बेसिकली एक धागा लो, धागे को ऐसे बांधा और उसको खोल दिया था सीधा का सीधा, क्योंकि जब ये घूमेगा ना ऐसा ऐसा घूमेगा, मान ले ये ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूमेगा जब ये, तो जितना पोर्शन इसका, यही पेरिफेरी तो उधर टच कर रहा है, इसका सर्कमफ्रेंस ही तो ग्राउंड पे टच करते हुए जा रहा है। इमेजिन कर पा रहे हो? थोड़ा सा देखना पड़ेगा मन की आंखों से, विजुअलाइजेशन का सब्जेक्ट है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एनिमेशन में भी दिखा दिया आपको, जैसे यहाँ इस एनिमेशन में देख लो, अगर इसमें दिख रहा है तो ये दिख रहा है, इसमें दिख भी रहा फोटो में, क्या दिख रहा है? ये देखो, रिंग के ऊपर थ्रेड बांधा हुआ था एक, और वो थ्रेड अनफोल्ड होते हुए जा रहा है, तो एक्चुअली वो क्या है, उसका पेरिमीटर ही है। ठीक है, इसको अगर रखना है तो इस तरीके से आप रख भी सकते हो, यहां ले आता हूं आपके नोट में, इस तरीके से अनफोल्डिंग हो रही है, यहां देख लो, ठीक है, ये बात कर रहा हूँ मैं। yes, तो यही मैं उस लेंथ को पाई आर बोलते जा रहा हूँ, इस तरीके से अनफोल्डिंग हो रही है। ये बस आपके उसके लिए समझ आ जाए, अंडरस्टैंडिंग रहे चीजों को लेकर के, क्योंकि बहुत मैकेनिक्स में विजुअलाइजेशन तो चाहिए कि जरूरत है आपको, मतलब ऐसा आइडियली बैठ करके नहीं समझ सकते, ठीक है। और आपको बस एफर्ट भी बस समझने के लिए लगाना है यहाँ पे, पूरा दिमाग बस समझने के लिए रखो, खोल के आंख कान नाक सबको खोल के रखो। तो ये पाई आर हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया, टू आर। इनिशियली पी पॉइंट कहाँ था? पी पॉइंट इनिशियली यहां था, ये थी आपकी इनिशियल पोजिशन। हाफ रेवोल्यूशन के बाद जो है ये यहां चला गया, ये आपकी फाइनल पोजिशन। और आपको क्या बोला गया था, आपको तो बस डिस्टेंस निकालना होता है इनिशियल और फाइनल का। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर, वो कौन सा वेक्टर हो गया? ये वाला वेक्टर हो गया, दिख रहा है ये वाला वेक्टर, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका लेंथ। आप क्या करोगे बेसिकली, तो ये वाला वेक्टर जो दिख रहा है, ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट जो मैंने हाईलाइट किया। इसका मैग्नीट्यूड बता दो मुझे कितना आएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है आपको सर, आर रूट में पाई स्क्वायर प्लस 4, और ये पाई आर, और ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट आपका पाइथागोरस से डायरेक्टली निकल जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट है रूट ऑफ पाई आर का होल स्क्वायर प्लस 2 आर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो आर बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा पाई स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर बचेगा 4। ठीक बोला था जिसने बोला था अभी, ये आर रूट में पाई स्क्वायर प्लस 4 सर मैंने। हाँ, आपका आंसर भी ठीक था यहाँ पर। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सोचना समझना चीजों को,
क्योंकि इतना इजी होता ना फिर तो सबको ही कर लेता, मतलब जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, चीजें जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिमांड करेंगी आपसे, बट बहुत टफ नहीं है, ऐसा नहीं लगा अब आपको नहीं लगेगा टफ ये। एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, एक रेवोल्यूशन में बताओ, ये तो फिर से ग्राउंड पे आ जाएगा पूरा का पूरा। एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, और वन कंप्लीट रेवोल्यूशन लिखा होता तो जल्दी से बताओ सर। टू आर रूट पाई स्क्वायर प्लस फोर। नहीं नहीं एक रेवोल्यूशन होता, एक रेवोल्यूशन टू पाई आर, सर टू पाई आर, क्योंकि पी नीचे आ जाएगा, पी नीचे ही आ जाता है यहाँ से चला तो। ये पॉइंट अगर मान लिया किसी टाइम पे पी नीचे है, तो थोड़ी देर बाद तो ये ग्राउंड यहीं पे आ जाएगा ना, तो बस ये डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों पॉइंट ग्राउंड पे होंगे। यहाँ से चला था घूम करके वापस ग्राउंड पे आ गया, तो बेसिकली ये इनिशियल भी ग्राउंड पे है, फाइनल भी ग्राउंड पे है, तो कोई हमको पाइथागोरस वाइथागोरस लगाना ही नहीं, तो टू पाई आर ही हो जाएगा। जैसे आप सोचो ना, इसके माइंड में सोचो कि ये पहिया चल रहा है, तो ये पहिया चलेगा तो पी फिर थोड़ी देर बाद नीचे आ जाएगा। अभी मैंने आपको एनिमेशन में दिखाया भी एक दो जगह, ये देखो इस दिख तो रहा था, ये देखो इस डायग्राम में दिख रहा, वो दिख रहा है, वो हो रहा है वहां पर सिनेरियो, ये देखते दिख रहा है डायग्राम में। यहाँ पे दिख रहा है, तो ये सिनेरियो हो रहा है। चलो जब पूरा रेवोल्यूशन होगा तो क्या होगा, वो वापस खुला, ये हाफ रेवोल्यूशन है और अब फुल रेवोल्यूशन, इस तरीके का सिनेरियो समझ आ गया होगा मुझे लग रहा है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक लिखो, हम अगले टॉपिक पर चलेंगे, तो अब आपको एक 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 लेवल आगे लेके जाना पड़ेगा। इसके बाद हम चलते हैं स्पीड, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बाद जो डिस्कशन होगा वो स्पीड का होगा। स्पीड वर्सेस वेलोसिटी, ये दोनों टर्म भी सुने हुए आपने, ठीक है। आज इनमें डिफरेंस देखते हैं एग्जैक्टली क्या क्या होता है, कि स्पीड किस चीज को बोलते हैं, वेलोसिटी किस चीज को बोलते हैं, किस चीज को बोलते हैं, आपके नोशन बताओ क्या है इन चीजों को लेकर के। नाइन्थ में पढ़ा होगा, टेंथ में पढ़ा होगा, या कभी भी दोस्त सुने तो है ही आपने बचपन। सर स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और कुछ? और सर जो स्पीड होती है सर वो सर आप लोग बोलो और कोई। सर स्पीड डिस्टेंस होती है टाइम के साथ, कवर डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड होता है टाइम के साथ, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विद टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम और डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। और कुछ और बेटर डेफिनेशन? सर जो स्पीड होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है, और जीरो भी हो सकती है, बट वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, एकदम मतलब सही है, क्योंकि स्केलर है तो आप बोलोगे डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस ही पॉजिटिव होता है हमेशा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड भी पॉजिटिव ही होगा। और सर ये भी बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर क्वांटिटी है तो फिर वो ग्रेटर ही होगी या वो इक्वल हो सकती है वेलोसिटी के, पर वेलोसिटी डिक्रीज भी कर सकती है, इक्वल भी हो सकती है, पर ग्रेटर नहीं हो सकती। किससे? स्पीड से। सर हाँ स्पीड से। अच्छा, अगर एक दूसरे को कंपेयर करें। यस सर। ठीक, तो दो टर्म में लिख देता हूँ मैं, एक एक साइड डिस्कस करते हैं स्पीड को, स्पीड क्या होता है, इसका सिंबल कैसा होता है किस चीज में, और एक साइड लिख देते हैं हम वेलोसिटी को, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने क्या बोला, ये कैसी क्वांटिटी है, दिस इज अ
स्केलर क्वांटिटी, और ये कैसी क्वांटिटी है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले तो ये वाला एक सिर्फ स्केलर वेक्टर को इसको हटाई दो। अब इसके बाद क्या डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस। तो स्पीड के लिए अगर डिफाइन करने की कोशिश करें कि इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो डेफिनेशन में आप बोलोगे इट इज रेट ऑफ, आपने सुना रेट ऑफ चेंज का भी वर्ड, कहाँ सुना, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिस्टेंस, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नहीं मुझे रेट ऑफ चेंज कहाँ सुना आपने वर्ड, ये यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था, वहां पर सुना था आप लोगों ने, बाकी लोगों ने, मैंने आपको काफी घंटे वेस्ट, मतलब वेस्ट तो नहीं किए बट काफी घंटे इन्वेस्ट किए हैं, वेस्ट तो नहीं बोलूंगा किए हैं। yes, sir. कहां पढ़ा था सर, जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे। ठीक है, डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है। अच्छा, कुछ लोगों ने, योगेश ने और जो आज नया स्टूडेंट है, उन्होंने डिफरेंशिएशन की शायद क्लास ना लगाई हो। ठीक है, आपको मैं दो तीन लेक्चर दूंगा, दो तीन लेक्चर देख के रखना एटलीस्ट डिफरेंशिएशन के, एक दो दिन में देख लेना आराम से, अभी कोई एकदम इमीडिएट यूज नहीं है, बट दो या तीन दिन तक आप लोग देख लेना, नोट्स आपको एसी में वन नोट में मिल जाएंगे, ताकि आप चीजों को सेम पेज पे समझ पाओ जिस लोगों की मुझे रिक्वायरमेंट होगा उसका। रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ पे क्या लिखूंगा रेट ऑफ चेंज को, यहाँ पे लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसके लिए ये बोलोगे। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देखना, यहाँ पे जो स्पीड होती है ना, दो तरीके की स्पीड होती है, एक होती है एवरेज स्पीड, एक होती है एवरेज स्पीड और एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एक होती है एवरेज स्पीड। और सेम वर्ड जो है ये वेलोसिटी के लिए भी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और आप दूसरा लिख सकते हो एवरेज वेलोसिटी, ये दोनों टर्म इनके लिए भी डिफाइन है। अब देखो होता क्या है, जब भी आप इसके लिए लिखोगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड, देख लो पहले इंस्टेंटेनियस स्पीड में जब जाओगे तब स्पीड का सिंबल स्मॉल वी से लिख सकते हो, बस वेक्टर मत लिखना, इसको आप लिख दोगे ds by dt, क्योंकि जब भी ये d आएगा ना वर्ड, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी स्मॉल d वर्ड आएगा तो ये किसके लिए होता है, स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये जो है स्मॉल d, और एक होता है डेल्टा, डेल्टा होता है फाइनाइट चेंज और स्मॉल d होता है बहुत ही छोटा चेंज, मतलब बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया और बहुत थोड़ा टाइम लगा है। तो जब भी बहुत थोड़े चीजों की बात हो रही हो कि आप बस मतलब 0.00001 मीटर डिस्टेंस कवर किए और 0.00000 कुछ ही बहुत टाइम, कम टाइम लगा, उस टाइम में आपकी जो स्पीड होगी उसी इंस्टेंट की स्पीड बन जाएगी, रेदर देन कोई किसी इंटरवल की बनेगी। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड को ध्यान रखना। तो आपका ये सिंबल जब भी दिखेगा ds by dt तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड का होगा, और जब भी एवरेज स्पीड की बात होगी तो वी एवरेज जो होगा वो बेसिकली डेल्टा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो आप नाइन्थ में पढ़ते थे ना स्पीड क्या होता था, वो पढ़ते थे आप, इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, जो नाइन्थ में आपका डेफिनेशन था वो ये वाला पढ़ते थे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये आपका नाइन्थ का था। ठीक है, इसके लिए देखो जब भी आप यहां पे आओगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो पहले तो वेक्टर से रिप्रेजेंटेड होगा और फिर ये ds डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा और डिवाइड बाय dt, dt स्केलर होगा। ठीक है, समझ आया,
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा पर डीएस एस वन से एस टू गए यहाँ से यहाँ तक गए तो आप लिखते हो डीएस और डीएस के साथ वेक्टर लगा देते हो, ये पोजीशन वन था आर वन या आर टू था कुछ भी, या आप इसको कई बार चेंज इन पोजीशन लिख सकते हो, चेंज इन पोजीशन मान लिया, या आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है डीएक्स बाई डी टी वैक्टर, अगर सिंगल एक डायमेंशन में सिर्फ एक्स चेंज हुआ मान लिया एक्स वन से एक्स टू गए तो डीएक्स लिख दिया वैक्टर डिवाइड बाई डी टी, और पोजीशन अगर कोई जनरल पोजीशन है तो ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है डी आर बाई डी टी, सिंबल बता रहा हूँ मैं आपको जहां जहां ये मिलेंगे ना लिखे हुए तो आपको इस तरीके से भी मिल सकता है, तो डी आर बाई डी टी भी कुछ नहीं है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या और करके लिख सकते हो और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड डिस्प्ले velocity, rate of change of displacement or rate of change of position with respect to time is called, क्या बोलोगे? velocity term. और अगर d लिखे हुए d के term आए तो वो basically instantaneous velocity को represent कर रहे होंगे, और अगर आपके term आए delta को लेकर के तो वो क्या represent कर रहे होंगे, जैसे ये represent कर रहा है आपका average velocity, हाँ तो वेलोसिटी एवरेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कैसे आपको दिखेंगे, आप बोलोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है, या आप ऐसा लिख सकते हो एक्स टू वैक्टर माइनस एक्स वन वैक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी टी टू माइनस टी वन, या आप लिख सकते हो टोटल डिस्प्लेसमेंट, अगर मैग्नीट्यूड लिखना है बस टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ऐसा भी लिख सकते हो, या आर टू इसको अगर आर टू माइनस आर वन वैक्टर भी लिख सकते हो, तो ये जो टर्म बन जाएगा आपका ये बन जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी का, तो मतलब वेलोसिटी के दो टर्म आपके पास, एक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का और एक है एवरेज वेलोसिटी का, इसी तरीके से यहाँ भी दो टर्म है, एक है इंस्टेंटेनियस स्पीड का और एक है एवरेज स्पीड, ये देख लो ये चारों टर्म समझ आए, इनके सिंबल समझ आए, दिखने में कैसे होंगे, क्यों वो सिंबल वैसे हैं वो भी समझ आए, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को हम डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव सिंबल यूज करके डिनोट करते हैं डी एस बाई डी टी डी एस बाई डी टी, ये स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आप ये देखो जब भी रिलेशन इनके बीच डेवलप होगा तो इनके बीच एक रिलेशन है, ठीक है, इनके बीच एक रिलेशन है, किस चीज किस किस तरीके का रिलेशन है, इन दोनों के बीच एक रिलेशन आएगा, इन दोनों के बीच का रिलेशन ये होता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस किसी टाइम के किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, उसी को ही क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, कोई जनरल नहीं कि हर वेलोसिटी के लिए, ये एवरेज के लिए वैलिड नहीं है, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगा ना बेसिकली इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको बेसिकली ऐसा लिखा जा सकता है इंस्टेंटेनियस स्पीड को इट इज डी एस वेक्टर बाय डी टी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि यही तो है ये वेक्टर है वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड लगाऊंगा तो क्या आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मोड लगा दूंगा मैग्नीट्यूड आएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों टर्म फिर सेम बन जाएंगे, इसका अगर इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला पार्ट देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के दो चीजें होंगी, एक वो किस डायरेक्शन में जा रहा होगा और उस मोमेंट को उसके मैग्नीट्यूड कितना हो मीटर पर सेकंड कितना होगा, तो वो जो मीटर पर सेकंड है ना उस टाइम पे वो स्पीड ही होगा, और डायरेक्शन है तो वो वेलोसिटी के साथ अटैच होती है स्पीड के साथ अटैच नहीं होती है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नथिंग बट क्या होगा ये मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नथिंग बट इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये आपको ध्यान ये टर्म जो है इम्पोर्टेंट है इस वजह से ही बताया जा रहा है,
सिंबल, ये जो रिलेशन है ना, ये इक्वालिटी जो है, यहाँ पे जो इक्वालिटी आ रही है ये एवरेज के लिए होल्ड नहीं करती है। जो ये दोनों टर्म है ना, ये दोनों टर्म है, इन दोनों के अगर रिलेशन डेवलप करूंगा तो इन दोनों के लिए इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। एवरेज के टर्म में क्या आएगा, एवरेज वेलोसिटी जो होती है, यहाँ लिख देता हूँ, बट एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एवरेज स्पीड। ये हमेशा एवरेज स्पीड से कम होगा, क्योंकि अब तो टोटल चीजों की बात हो रही है ना, एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट की। जैसे आप मान लो स्कूल गए, तो स्कूल जाने में आपको 15 मिनट लगे, स्कूल से आने में 15 मिनट लगे, 15 मिनट जाने के और 15 मिनट आने के, तो टोटल कितना, हाफ एन आवर लग गया। और आपका स्कूल था 10 किलोमीटर, तो रहने दो 4 किलोमीटर था, और फिर 4 किलोमीटर आने के, तो टोटल डिस्टेंस कितना का, और वो 8 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा, हाफ एन आवर, तो आपकी स्पीड होगी 16 किलोमीटर पर आवर। अब ये 16 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है, बट अगर मैं आपसे पूछूं एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ, आपका डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, आप स्कूल गए थे वापस आके गए थे, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, टाइम लगा हाफ एन आवर, तो आपका एवरेज वेलोसिटी हो गया 0, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो स्पीड ज्यादा हो गई और वेलोसिटी हुई नहीं। एवरेज स्पीड, एवरेज टर्म में ये दोनों टर्म डिफरेंट है, ठीक है। ये बेसिकली क्या किया है, एवरेज टर्म के लिए ऊपर देखो जाकर के, हमने ये रिलेशन समझ आया था कल आपको? अरे बोलो, ये रिलेशन समझ आया था? यस सर। इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, तो इधर बनेगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इधर बनेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तो बनेगा एवरेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज स्पीड। दोनों को डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा, एक साइड बन जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, कितना बन गया, इसको क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड, और इसको क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा होती है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होता है, मिनिमम उसके इक्वल हो सकता है। वही रिलेशन है, उसको बस आप इस टर्म में पढ़ लियो, ठीक है। अगर आपको उसी तरीके से लिखना है कि सर इसको इधर लिख देते हैं, तो इसको उधर भी लिखा जा सकता है, बट तो कुछ है समझ में, इतना समझ आया ये। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड एक बार, जैसे मान लिया आप गाड़ी पे चल रहे हो ना, जब एक बार ध्यान दो, जब आप गाड़ी पे चल रहे हो या बाइक पे चल रहे हो, बाइक वाला एग्जांपल ठीक है, बाइक पे चल रहे हो, तो बाइक में मान लिया आप नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहे हो, बाइक पे चल रहे हो नॉर्थ के डायरेक्शन में चल रहे हो, और आपकी स्पीड, आपकी इस अभी जो मीटर जो स्पीड दिखा रहा है ना, वो दिखा रहा है 44 किलोमीटर पर आवर, और नॉर्थ में, अब नॉर्थ आपको पता है, तो अगर मैं इनको कंबाइंड बोलूं कि 44 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, तो ये बन गया आपका वेलोसिटी, और कौन से वाला, इंस्टेंटेनियस, क्योंकि उस इंस्टेंट पे ऐसा दिखा रहा है। बट अगर मैं आपसे स्पीड पूछूं, तो इसका बस मैग्नीट्यूड क्या है, 44 किलोमीटर पर आवर, वो होगी आपकी उस टाइम की स्पीड, किधर जा रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा। वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो आपको डायरेक्शन भी बताना है कितना है, किस डायरेक्शन में, किस स्पीड में, उसमें कोई रोल नहीं है। ये दोनों में डिफरेंस है। बाइक में एग्जांपल में आराम से समझ जाएगा, बाइक चल रही है, जैसे आप इधर चल लो, एक बाइक है ऐसा ले लो। अब ये इधर चल रहा है, अब मान लिया इधर इधर इस डायरेक्शन को बोल दो ईस्ट। ईस्ट में अगर आप चल रहे हो 15 या 150, थोड़ा तूफानी टाइप का, आप तो 150 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो, तो 150 किलोमीटर पर आवर ईस्ट बोलूंगा ना मैं, 150 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी, क्योंकि आपने मैग्नीट्यूड भी बोला और डायरेक्शन भी बोले। बट अगर मैं बोलूं मेरी स्पीड मैं 150 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूँ, 150 की स्पीड है, बस वो 150 स्पीड ही है, इसको बोलोगे अगर 150 की स्पीड से चल रहा हूँ, जैसे फोन पे बात कर रहे हो, तो मैं पूछ रहा हूँ भाई कितनी स्पीड से चला रहे हो गाड़ी, तो बोलोगे कि 150 की, ठीक है। और मैं पूछूं कितनी वेलोसिटी से चला रहे हो, तो आप बोलोगे 150 की
वेलोसिटी ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट में, तो ये दोनों में डिफरेंस है और इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस है। बट एवरेज में क्या होगा, एवरेज में तो मैं ये पूछूंगा कि कहां तक गए थे और कहां पे वापस आए, तो ये तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा और ये टोटल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये डिस्टेंस है, तो ये तो दोनों ऑब्वियसली अलग अलग होंगे, मिनिमम क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। और टाइम तो दोनों घड़ी में देखो, जितना यहां से जाओगे यहां रुकोगे ना, तो घड़ी में तो टाइम सेम ही होगा डेल्टा टी, इससे डिवाइड करोगे तो एवरेज स्पीड बनेगा और इससे डिवाइड करोगे तो एवरेज वेलोसिटी बनेगा, तो ये दोनों टर्म कभी भी सेम नहीं हो सकते, हो सकते हैं एक केस में जब सीधा सीधा चलोगे, तो इक्वालिटी है ना यहाँ पे भी एक केस में, और इक्वालिटी कब होती है, व्हेन यू जस्ट आर मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट इवन टेकिंग अ यू टर्न ऑल्सो, उस केस में होगा इक्वल। दोनों टर्म समझ आए? यस सर, यस सर, ये दोनों का डिफरेंस समझ आना चाहिए क्लियरली। यस सर, क्या चीजें हैं, वेलोसिटी किस चीज को बोलते हैं और इसको, इसको तो बस स्पीड बोला जाएगा, इसको इस डायग्राम को रहने देता हूँ यहाँ पे, इसको बस बोला जाएगा स्पीड और इसको बोला जाएगा, दोनों को कंबाइंडली करके बोला जाएगा वेलोसिटी, लिख देता हूँ। कितना समझा? क्वेश्चन लिखो एक, यहाँ पे ये इक्वालिटी होल्ड कब होगी ये भी पता है, लिखा था ना कल भी लिखा था, इक्वालिटी होल्ड इक्वल का साइन कब आएगा, बस इक्वालिटी होल्ड फॉर ओनली यूनि डायरेक्शनल मोशन, एक ही डायरेक्शन में होगा, यूनि डायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन, जब आपका ऐसा ऐसा मोशन होगा अदर, बस सीधा जा रहे हो ना, तो यू टर्न लेना ना कुछ करना, टेढ़ा मेढ़ा मोड़ ना भी नहीं देना, तो इक्वालिटी आ जाएगा आपके पास। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दूं आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, आपसे ये पूछ रहा हूं कि इनमें से चार स्टेटमेंट दे रहा हूं, इनमें से इनकरेक्ट क्या है, एवरेज वेलोसिटी इज पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसा होगा क्या बताओ? नो सर। दूसरा स्टेटमेंट सुनो, इन जनरल स्पीड इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ऐसा होगा क्या? बोलो। यस सर, इन जनरल स्पीड इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मिनिमम कितना हो सकता है अगर पर्टिकुलर में जाएंगे, इन पर्टिकुलर इक्वल हो सकता है, इन जनरल हो सकता है सर, जब बढ़ाई होगा, ठीक है, और इंस्टेंटेनियस केस में तो वो दोनों हमेशा इक्वल होंगे, इंस्टेंटेनियस चीजों की बात होगी ना, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, सिर्फ डायरेक्शन वाला पार्ट नहीं, किधर जा रहा है उसमें नहीं, सिर्फ किस स्पीड से जा रहा है या किस मैग्नीट्यूड से जा रहा है, वो दोनों सेम होंगे, ठीक है। अच्छा अगला देख लो, अ पार्टिकल, थर्ड स्टेटमेंट लिख लेता हूं, अ पार्टिकल
मूविंग इन अ गिवन डायरेक्शन, अगर किसी गिवन डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मूविंग इन अ गिवन डायरेक्शन विद नॉन जीरो, विद नॉन जीरो वेलोसिटी, विद नॉन जीरो वेलोसिटी कैन हैव जीरो स्पीड. नो सर. कैन हैव जीरो स्पीड, देख लो पढ़ लो. इसमें कुछ ठीक लग रहा है कि स्टेटमेंट में नहीं लग रहा? अ पार्टिकल मूविंग इन अ गिवन डायरेक्शन विद नॉन जीरो वेलोसिटी कैन हैव जीरो स्पीड, मतलब वेलोसिटी उसका नॉन जीरो है और स्पीड. नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता. इनकरेक्ट है सर. ठीक, इनकरेक्ट. मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज एवरेज स्पीड, तब क्या बोल सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, ये बोला जा सकता है क्या? इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट करेगा सर, क्या होगा? ये भी ज्यादा ही होगा हमेशा, इक्वल टू नहीं होगा. मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू एवरेज स्पीड. जैसे घर गए थे वापिस आगे घर पे, तो एवरेज वेलोसिटी तो गया जीरो, बट एवरेज स्पीड थोड़ी जीरो होगा, डिस्टेंस बाय टोटल टाइम तो हुआ ही है. सर फर्स्ट थर्ड और फोर्थ स्पीड इनकरेक्ट. सबसे पहले तो ये देखो कि क्या पूछा हुआ है, इनकरेक्ट पूछा हुआ, करेक्ट नहीं पूछा हुआ. तो ये तो पक्का ही गलत है. अभी अभी बताया कि ग्रेटर होगा स्पीड जो है, या तो बड़ा होगा, मैक्सिमम इक्वल हो सकता है. इसमें तो इज लिख दिया, मतलब हमेशा ही बोल रहा है कि हमेशा वही होगा, तो गलत है. दूसरा सर थर्ड वाला भी इनकरेक्ट है. थर्ड वाला भी मतलब ये इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि स्पीड नॉन जीरो वेलोसिटी है. तो नॉन जीरो वेलोसिटी है तो कभी भी. सर फर्स्ट वाला भी इनकरेक्ट है. और फर्स्ट वाला भी, मैग्नीट्यूड इज पाथ लेंथ, एवरेज वेलोसिटी नहीं होता है वो, पाथ लेंथ डिवाइड बाय टाइम, एवरेज स्पीड होता है, टोटल पाथ लेंथ डिवाइड बाय टोटल टाइम. इन जनरल ये बोल सकते हो हाँ, स्पीड इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इन जनरल बोला, वो भी पर्टिकुलर. अगर ये स्टेटमेंट एकदम बोला कि इन जनरल लिख दिया, तो मतलब हम कुछ केसेस में लेके चल रहे हैं, ठीक है? उन्होंने एकदम कोई ऐसा पर्टिकुलर केस नहीं दिया. इन जनरल आप बोलते हैं हाँ स्पीड बड़ा ही होता है, इन जनरल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से मिनिमम वो उसके इक्वल हो सकता है, तो उसमें थोड़ा सा उन्होंने ओपन एंडेड रख दिया, ठीक है? चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन करें. ये समझ आए टर्म क्या क्या है? ये सर कोई डिस्कशन नहीं है, बट ये रेट ऑफ चेंज मैंने आपको बताया हुआ है. रेट ऑफ चेंज क्या होता है? रेट ऑफ चेंज क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब टाइम के साथ जो है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहे हैं, उसी को रेट ऑफ चेंज बोल देते हैं. अब यहाँ पे बस कुछ जगह वेक्टर लग गया है. वेक्टर इसका नॉलेज होने के लिए, वेक्टर क्वांटिटी को समझने के लिए, तो वेक्टर अलग से समझा हमने, ठीक है? तो वो क्लास भी रिवाइज कर सकते हो उसको समझने के लिए दोबारा. उसका वेक्टर का ऐसा सेपरेट कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पेपर में कि वेक्टर से कोई क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है. कभी कभी रेयरली, कभी 5 साल में 10 साल में कभी एक क्वेश्चन प्योरली वेक्टर बेस्ड आ जाता है. वेक्टर यूज होता है क्वेश्चन करने के लिए. क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखना है. करो आप. अ पार्टिकल ट्रेवल, अ पार्टिकल ट्रेवल 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1, विद वेलोसिटी v1 एंड रिमेनिंग 3/4 of distance with velocity distance with velocity
वी टू, ठीक है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। देखो अपना रफ कॉपी उठाओ, आपको बस यही बोला गया, आपको एक रफ कॉपी रखना है हाथ में, वही रखा करोगे। पार्टिकल ट्रेवल 1/4 ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 एंड द रिमेनिंग 3/4 ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v2, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। करके बताइए जल्दी से, एक मिनट आपके पास। जैसे होगा ना कि आप दौड़ना शुरू किए, आपको बोला कि 1 किलोमीटर दौड़ना है, तो 1/4 ऑफ द डिस्टेंस कौन सा हो गया, मतलब पहले 250 मीटर, 250 मीटर दौड़े आप कुछ v1 स्पीड से, फिर रिमेनिंग 3/4 ऑफ द डिस्टेंस, मतलब रिमेनिंग 750 मीटर जो बचा वो आप दौड़े v2 स्पीड से, तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी हुई बताओ? 1। अरे 1 है इस केस में अंतर, अरे 1/4 ऑफ द डिस्टेंस है, मतलब जो टोटल डिस्टेंस डी है ना, तो डी बाय 4 जो डिस्टेंस है वो आप v1 स्पीड से दौड़ रहे हो, और 3/4 ऑफ द डी डिस्टेंस जो है वो v2 स्पीड से दौड़ रहे हो। जैसे ये यहाँ बना देता हूँ डायग्राम में, बता देता हूँ, सपोज आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, एक पॉइंट है, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना, तो 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बेसिकली ये वाला डिस्टेंस हो गया, ये टोटल डिस्टेंस सपोज d है, ठीक है, तो 1 ये 1/4 हो गया d का, तो d बाय 4, और ये 3/4 हो गया इधर वाला, 3/4 कितना हो जाएगा, 3/4 ऑफ d। तो ये डिस्टेंस जब यहाँ पे चल रहे थे आप, तो आपकी स्पीड v1 थी, और यहाँ पे जब चल रहे थे तो आपकी वेलोसिटी v2 थी, और स्पीड और वेलोसिटी क्वेश्चन में देखो इंटरचेंजेबली यूज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपको वेलोसिटी वेक्टर वेक्टर नहीं दिया हुआ है, और आपको ये भी नहीं बोला गया कि पार्टिकल अपने डायरेक्शन बदल रहा है, कहीं बदल रहा है। क्वेश्चन को देखो, समझो एक बार, पार्टिकल ट्रेवल विद स्पीड दिस विद वेलोसिटी दिस, तो ये इंटरचेंजेबली यूज हो रहे हैं इस क्वेश्चन में। अगर एकदम टेक्निकल जाओगे तो टेक्निकल डिफरेंस ही है जो ऊपर पड़े हमने, कि वो स्केलर है वो वेक्टर है, ये कभी भी क्या नहीं हो सकती, ये यहीं पे लिख सकते हो, वेक्टर है तो क्या हो सकती है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, और इट कैन बी जीरो। इट इज क्या लिखोगे, ये स्पीड क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, तो वो सब ऊपर के इसमें आओ, तो आप वापस बोलो आंसर, बोलो जल्दी से, इतना टाइम क्यों लग रहा है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला माइंड में है तो सोचो एवरेज वेलोसिटी निकालना, वो होता क्या है? अरे बोलो, आवाज आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? हाँ जी निधि, कितना कितना आंसर आया आपका, क्या नहीं आया समझ है सही, ये भी बोल सकते हो। सर अभी कर रही हूँ मैं, ठीक है। बाकी लोग हरमन, रितेश,
कर रहे हैं। आप एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला सोचो क्या होता है, इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ए से जाने में, डी डी यू हुआ है, तो उसको न्यूमरेटर में लिख लो, ए से बी जाना है, तो आपका एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी कितना होता है। और इस केस में तो स्पीड और, देखो जब स्ट्रेट लाइन मोशन है स्पीड और डिस्टेंस सेम होंगे, सॉरी स्पीड और डिस्प्लेसमेंट सेम होगी, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी सेम होगी, यूनि डायरेक्शन मोशन है, कोई यू टर्न नहीं दिया हुआ। तो न्यूमरेटर में आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, वो आएगा डी, और डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना होता है टी ले लो सर, थ्री वी सर सर फोर वी वन वी टू बाई थ्री वी टू प्लस वी वन, देख लेते हैं अभी अगर आपको मैच करे तो हम सब ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट तो हो गया आपका डी, टाइम कितना लगा यहां से यहां तक बताओ, जब वो वी वन स्पीड से चल रहा था और डिस्टेंस क्या इतना, तो इसमें टाइम कितना लगा, डी बाय फोर का डिस्प्लेसमेंट और उसका वेलोसिटी था वी वन, ये लगा कि नहीं yes, लगा सर, यस सर, यहां से यहां तक में कितना टाइम लगा, यहां से यहां तक सपोज टाइम लगा तो कितना आएगा, थ्री डी बाय फोर डिवाइड बाय वी टू, तो टोटल टाइम कितना आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता है डी है, तो टोटल टाइम कितना आएगा आपका, तो टोटल टाइम के लिए उधर का लिखोगे डी बाय फोर बाय वी वन और इधर लिखोगे थ्री डी बाय फोर, ये डिस्टेंस है ये वी टू से कवर किया, इसमें क्या नहीं समझ आ रहा था, देख लो मुझे लिखना था टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, मुझे यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ था मुझे, बट डिस्टेंस और वेलोसिटी तो गिवन थी कि कितना डिस्टेंस किस वेलोसिटी से कवर किया गया, वन फोर्थ ऑफ द डिस्टेंस कवर विद स्पीड वी वन, ठीक है वेलोसिटी वी वन, सेकेंड थ्री रिमेनिंग थ्री फोर्थ ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड विद वी टू, तो मैं टाइम तो निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैंने निकाला मेरे को इतना टाइम लगेगा पहला 25% डिस्टेंस कवर करने में और रिमेनिंग 75% कवर करने में मुझे इतना टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम लिख दूंगा मैं डिनोमिनेटर में। अब निकाल के बताओ तब तो आ जाएगा, d कॉमन ले लो सर, 4v1 v2 upon v2 plus 3v1 सर यही बोला था मैंने भी पहले, ठीक है यही आंसर आना चाहिए था। अगर आप इसको d को कॉमन लेके d से कैंसिल कर दो, d को कॉमन लो आपके पास बचेगा 1 अपॉन में, यहाँ पे बचेगा 1/4v1 और यहाँ पे बचेगा 3/4v2 और एलसीएम ले दो इसका, बस एलसीएम लोगे तो आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा, एलसीएम लेके बता दो 4v1 v2, 4 तो ऊपर चला गया, 4 एलसीएम आ गया, v1 v2 आ गया, एलसीएम लेना आता होगा आपको, और नीचे आएगा v2 प्लस 3v1, ठीक है। अब इसको देखो स्टेटमेंट बदल देगा, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इसी पे, यहाँ पे क्या लिख देगा, वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड विद वेलोसिटी वी वन, रिमेनिंग हाफ कवर्ड विद वेलोसिटी वी टू, एवरेज स्पीड बताओ, ठीक है। यह बोल देगा वन थर्ड ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड विद वेलोसिटी वी वन एंड रिमेनिंग वन थर्ड कवर्ड विद वेलोसिटी वी टू, या तीन दे सकता है, ये बोलेगा कि पहला वन थर्ड जो है वन थर्ड डिस्टेंस वो कवर किया गया स्पीड वी वन से, दूसरा वन थर्ड जो डिस्टेंस है वो किया गया वी टू से, तीसरा वन थर्ड जो डिस्टेंस है वो कवर किया गया वी थ्री से, ये भी निकल जाएगा इसका एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस है डी और पहले में कितना टाइम लगेगा डी बाय थ्री बाय वी वन, दूसरे में कितना लगेगा डी बाय थ्री बाय वी टू, तीसरे में कितना लगेगा डी बाय थ्री बाय वी थ्री। तो आपको बस ये लॉजिक समझ लेना है कि किया क्या हमने, हमने क्या किया, हमने टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ही लिखना था, उसको कैसे ब्रेक करके लिखा। अब क्वेश्चन में वैरायटी बहुत बना सकता है, कई बार वो परसेंटेज के टर्म में बोलेगा, वो बोलेगा कि आपको फर्स्ट 20% ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड विद स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, रिमेनिंग जो है
80% of the distance covered with speed 30 km per hour. What is the average speed? Karo question. First 20% of distance is covered with 10 km per hour and remaining 80% of distance is covered with 30 km per hour. Find average speed. एवरेज स्पीड बताओ, ये बताओ जल्दी, ये आप बात जाना चाहिए, आपके पास एक मिनट ही टाइम है. बोलो फर्स्ट 20% ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड विद दिस स्पीड एंड रिमेनिंग 80% ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड विद दिस स्पीड. सर 0.4 0.4. बाकी लोग का एक आंसर आया 0.4. 0.4 किलोमीटर पर आवर, ये तो बहुत नहीं कम सर. सर किलोमीटर, सर किलोमीटर को तो मैंने मीटर में कन्वर्ट करा 5/18 से. करा क्यों, किलोमीटर में निकाल देते हैं. अच्छा मैंने नहीं उसमें करा फिर. तो आपका आंसर जो है मीटर में आई 0.4 मीटर पर सेकंड. और किसी का आंसर अभी किया हमने सेम क्वेश्चन ऊपर. अरे बोलो, इतना तो मुश्किल भी नहीं है. 21.4 एक अंतर है. और किसी का कोई अंतर है? केशव सर 21.4. 21.4 आ रहा है. यस सर 21.4. मेजॉरिटी का आंसर 21.4 यार. एवरेज स्पीड अभी आपने देखा, अभी फॉर्मूला देखा था कि टोटल डिस्टेंस सपोज डी है, वही क्वेश्चन. तो डी में से आपने जो 20% कितना होता है बेसिकली 1/5, वो किसी किस स्पीड से ट्रेवल कर रहे थे इस डिस्टेंस में आप लोग, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से आप चल रहे थे 10 किलोमीटर पर आवर से, और रिमेनिंग 80% मतलब 4/5 ऑफ डी, 4/5 ऑफ डी, 4/5 टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. तो पहले वाले का टाइम कितना लगा, पहले वाला डिस्टेंस है इतना और स्पीड है इतनी 10 की, दूसरे वाले में कितना टाइम लगा, डिस्टेंस कवर किया है इतना और स्पीड है आपकी इतनी. अब आप D को कॉमन ले सकते हो, नीचे से D कॉमन ले लो और इसको काट दो, D कॉमन बाहर आएगा, ऊपर बचेगा 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.2/10, तो 0.2/30, इसको LCM लेना बस.
0.2 by 10 plus 0.8 by 30. इसको सोल्व करना है. ये भी सोल्व, ये सोल्व कर लोगे आप एटलीस्ट. बेसिक मैथ, बेसिक मैथ है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर. ठीक है, करके अगर मैं बताऊं तो ऊपर आ जाएगा 300, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 8. तो 300 बाय 14 कितना आएगा? ये 2.1.4 ऐसे ही आएगा. कितने का आसपास आएगा? 21.4 किलोमीटर पर सेकेंड, नहीं पर आवर, किलोमीटर पर मीटर पर सेकेंड में ऑप्शन दिया हूँ तो मीटर पर सेकेंड के हिसाब से फिर कन्वर्ट भी करने पड़ेंगे आपको. ओके, समझ आ रहे हैं चीजें? है सिंपल, करना क्या इसमें? किसी को कोई लॉजिक में दिक्कत है या कुछ करने में दिक्कत है तो बता सकते हैं. ऑल गुड. योगेश? यस सर. समझ आ रहा है? वंश? आ रहा सर, समझ आ रहा है. अभी एक क्वेश्चन और करो. एक शराबी है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? इस तरीके का क्वेश्चन है, मतलब जैसे शराबी लोगों को पता रहता है कैसे चलते हैं वो लोग, ठीक है, कभी आगे जा रहे हैं कभी पीछे जा रहे हैं. इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किया इन्होंने. A drunkard walking along a straight line, सीधा चल रहा है एक तो, along a straight, मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं जा रहा, सीधा चल रहा है, बट वो आगे पीछे जरूर हो रहा है. टेक 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 steps backward. And so on. यही चलता है उसका, मतलब वो 5 स्टेप आगे जाता है और 3 स्टेप पीछे आ जाता है, फिर 5 स्टेप आगे जाता है, 3 स्टेप पीछे आ जाता है. Each step is 1 meter long. Each step is 1 meter long and take 1 second. मतलब एक कदम रखने में उसको आगे या पीछे उससे फर्क नहीं पड़ रहा, 1 meter का डिस्टेंस कवर करता है और 1 ही second लेता है. ठीक है, फिर अब क्वेश्चन ये पुट कर रहा है कि देयर इज अ पिट, एक गड्ढा आगे ऑन द रोड on the road 11 meter away. From the starting point, after how much time he will fall into the pit? ये पूछा जा रहा है. बताओ जल्दी से. After how much time he will fall into the pit? अब ये मत बोल देना कि सर उसको अगर दिख गया तो साइड से निकल जाएगा और ये सब. ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, पूरा गड्ढा ही है और वो अपना शराबी और दूध होकर चल रहा है. 44 seconds. 7 seconds. 7 seconds. 7 नहीं, और कुछ?
सोचो, दिमाग लगाओ पहले तो. बेसिकली क्या दिया हुआ है ये देख लो, जो स्टार्टिंग पॉइंट है जब वो स्टार्ट किया था तो उससे, जैसे मान लो यहाँ पे है वो, ठीक है, उससे 11 मीटर दूर है. 35 सेकेंड नहीं, तो ये 11 मीटर पे है, और सोचो और सोचो, दिमाग ही तो खोलना है, क्या दिक्कत है, तो लगाते रहो. सर 45 सेकंड, सर 29 सेकंड, 45 सेकंड, सर 29 सेकंड, 29 सेकंड, 45 सेकंड, 29 सेकंड था. Yes. Sir, 29 सेकंड आया. 45 किसका आया? सर मेरा. 45 नहीं है, 45 ज्यादा है, 40 भी नहीं है, 45 भी नहीं है, 35 भी नहीं है. सर 29. 29 हो सकता है, हो सकता है शायद. और किसी को ट्राई करना है? निधि, विधि, रितेश, लॉजिक लगाओ. आपको क्या करना है, देखो खुद ही सोचो. पांच मतलब अभी चलना अगर ये शुरू करेगा तो 5 सेकंड में 5 स्टेप आगे गया, 5 मीटर आगे गया, फिर 3 स्टेप पीछे, 3 स्टेप में पीछे, प्लस 5 किया था, फिर -3, फिर +5, फिर -3. तो यहाँ देखो अगर ये +5 आगे जाएगा, +5 हुआ यहाँ पे इसका, और फिर -3 हो गया, ठीक है, तो इफेक्टिवली ये कितना आगे चला, 2 मीटर. टाइम कितना लग गया, 8 सेकंड. ये होगा 29 सेकंड आएगा. यस सर, 29 सेकंड आएगा. यस सर, 41 सर, 41 आएगा. अभी भी 41 नहीं है, 30 के नीचे आंसर. सर 29 सेकंड आएगा, ठीक है, 29 ही आएगा आंसर. 29 is the correct answer. देखो क्या होगा, अभी आगे चला, फिर से क्या करेगा, ये 5 स्टेप आगे जाएगा, 3 स्टेप पीछे आ जाएगा, तो फिर से 2 मीटर और आगे चला बेसिकली, तो 4 मीटर में 8 सेकंड फिर लग गए इसको. फिर से अगला 6 मीटर तक भी इसको क्या लग गए, 8 सेकंड लग गए. यहाँ पे सपोज ये 2 मीटर 2 मीटर करके ऐसा 6 मीटर तक आ गया, तो इसको अभी यहाँ पे हो चुके हैं 8 सेकंड, और 8 सेकंड और 8 सेकंड, तो 24 तो हो ही गए. बट अभी ये 6 पे जब खड़ा है ना, अब इसको आगे जाना है, आप यहाँ से खुद ही सोचो, अभी अगर 5 स्टेप आगे गया तो फिर तो गिर ही जाएगा, वापिस आने के लिए स्कोप ही नहीं है, आया समझ. अब ये सीधा का सीधा गिर जाएगा, यहाँ पे 5 स्टेप आगे गया और ये सीधा का सीधा इसके अंदर, तो 3 राउंड तो लेगा वो आगे पीछे के, बट उसके बाद नहीं. तो कितना इस वाले टाइम में कितना लगेगा, 5 सेकंड और, क्योंकि अब तो बस 5 स्टेप आगे ही गया वो, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस, इन सब का सम हो जाएगा 29 सेकंड. आया समझ. इसको देखो, अगर ये सर ये सर ये तो अगर बहुत बड़ा नंबर होता, मान लिया मेरे को दिया था कि गड्ढा जो है 130 मीटर पे है, गड्ढा जो 130 मीटर पे है, तब क्या करते, तब ऐसा काउंट थोड़ी करते कितनी बार आए, कब कौन से पे जाके गिरेगा. तो फिर आप ये देखते कि गड्ढा अगर 130 मीटर पे होता ना, तो आप दो दो करके तो चलते रहते माइंड में, बट उससे थोड़ा पहले आके रुक जाओ. मान लिया जब आप आगे, मान लिया 124 तक पहुंच गए, जैसा देख लो उससे 5 स्टेप पीछे वाला देख लो, 125 इससे पहले वाला है, 125 5 स्टेप पीछे, यहां तक तो आ जाओ, इसके 124 तक आ जाओ आप चलते चलते. ये तो सीधा कर कितना, दो मीटर ट्रेवल करने में 8 सेकंड लग रहा है, तो 124 में कितना लगेगा, सीधा आ जाएगा यूनिटरी मेथड से. यहां तक तो ऐसे ही आ जाओ, अब यहां पे आके थोड़ा कॉन्शियस हो जाओ,
अब अगर उसने पांच स्टेप रखे तो कहां जाएगा वो 129 पे, फिर पीछे आएगा तीन स्टेप कहां आ गया 126 पे, और अब कितना और रखेगा, चार और रखेगा, क्यों, क्योंकि पांचवा रखने के लिए तो है ही नहीं उसके पास, चार में गिर जाएगा 27, 28, 29, 130। तो ऐसा करना पड़ेगा आपको, यहां तक तो कर लो आप सीधा यूनिटरी मेथड से आ जाओ। तो आपको जितने भी स्टेप दिए हो सकता है, जैसे मान लिया एक क्वेश्चन बदल दिया, क्वेश्चन बदल दिया, मान लिया एक ये कोई ऐसा स्पेस है, नीचे गड्ढा है, गड्ढे में एक चींटी है, तो चींटी क्या कर रही है, चींटी चींटी को ऊपर चलना है, तो चींटी इस तरीके से चल रही है कि चींटी पांच स्टेप आगे जा रही है और दो स्टेप पीछे आ जा रही है, फिर पांच स्टेप ऊपर जा रही है, दो स्टेप नीचे आ जा रही है, फिर पांच स्टेप ऊपर जा रही है, दो स्टेप नीचे आ जा रही है, फिर उसको तो बोलेंगे उसको ऊपर आने में कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन इस तरीके से बदल देंगे, बस लॉजिक यही है। तो आपको क्या करना है, जब डिस्टेंस ज्यादा हो, मतलब हर बार ऐसा नहीं स्टेप 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 कैलकुलेट करके नहीं कर पाओ, तो आप लास्ट स्टेप तक चले जाओ पहले, तो जितना वो स्टेप ले रहा ना, मान लिया उन्होंने दिया हुआ है इसको पांच स्टेप आगे जा रही थी, दो स्टेप पीछे आ रही थी, तो इफेक्टिवली तीन स्टेप चल रही थी, तो आप पांच जितना वो एक मैक्सिमम स्टेप ले रही है ना, और ये सपोज आपको दिया हुआ है कि ये जो है 30 तो नहीं 80 ले लो, 80 मीटर है ये सपोज, और एक मीटर का एक स्टेप है, तो आप बोलो इसको 75, पहले तो वो 75 तक ले आओ उसको, इफेक्टिवली तीन मीटर चल रहा है, तो तीन 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 करते हुए ये 75 तक ले आओ, तो कितने स्टेप, कितने इफेक्टिवली स्टेप चले इसने, 15 रिपीटेशन तो कर दिए, 15 नहीं कितना गया, 25, तीन स्टेप है ना, 25 सर, 25 रिपीटेशन करती है, फिर यहाँ पे आके थोड़ा सा सोचो कि 5 और रखे तो फिर तो वापस नहीं आएगा 180 सेकंड्स, तो 25 तो रिपीटेशन हो गए और प्लस 5 मोर स्टेप, तो कितना टाइम लगेगा, अगर एक एक स्टेप पे एक सेकंड है तो 25 रिपीटेशन है, 8 सेकंड तो लग ही जाते हैं इसमें, नहीं कितना लगता है, 7 सेकंड, 5 आगे जाने का 2 पीछे आने का, तो 7 सेकंड है, इतना टाइम तो इसमें लग गया, और प्लस 5 मोर सेकंड। आपको बेसिकली ये ध्यान रखना, लॉजिक क्या है, आप लास्ट, अगर बहुत ज्यादा बड़ा डिस्टेंस है, एक लास्ट में से कट कर लो पहले पोर्शन, और फिर वहां तक तो यूनिटरी मेथड से आ जाएगा, और फिर वहां पे थोड़ा लॉजिक लगा लो कि कितना स्टेप आगे जाने पे गिर जाएगा, हो सकता अगर मैं यहाँ पे 78 देता तो तीन ही में गिर जाता, तो प्लस 3 आता यहाँ पे, तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर जाएगा। लॉजिक ये है कि अगर ऐसा स्टेप दिए हुआ बहुत सारे, डिस्टेंस बड़ा है जो कि आप एक एक स्टेप नहीं काउंट कर सकते हो, बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप यूनिटरी मेथड लगा लो, जस्ट एक एक ब्रांच को ब्रेक करके, उसमें से जितना भी टोटल डिस्टेंस है उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप को लेस कर दो, वहां तक तो वो चलेगा ही यूनिटरी मेथड फॉलो करते हुए, रिपीटेशन फॉलो करते हुए, उसके बाद वो देख लो कितने और स्टेप लेगा गिरने तक, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा बदल देंगे, कभी उसको चींटी बोल देंगे, कभी उसको इंसेक्ट बोल दिया जाएगा, कभी उसको बोलेगा ऊपर चढ़ रहा है, लेडर पे है, ठीक है, या एक बच्चा है, बच्चे को मस्ती में लगा, बच्चा को तीन कदम ऊपर जा रहा है, दो कदम नीचे आ रहा है, तीन कदम फिर ऊपर जा रहा है, या बोल देंगे एक आपको खेल ही ऐसा है, ये गेम है जिसमें आपको ऐसा करना है, तीन जंप आगे लेना है, दो जंप पीछे लेना है, फिर तीन जंप आगे लेना है, दो जंप पीछे लेना है, इस तरीके से बोल देगा, तो लैंग्वेज चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो समझ आ गया आंसर कि 29 सेकंड क्यों है, सब लोगों को। कल हम स्टार्ट करेंगे यहीं से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होती है, अच्छा जो नया स्टूडेंट है वो रुक सकता है क्लास में, बाकी लोग अपना नेक्स्ट क्लास के लिए जा सकते हैं, या जहाँ पे भी, मतलब अगर नहीं है क्लास तो, ठीक है।